नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो वैसे क्रिसमस की बहुत सारी तैयारियाँ थी जो मैं शेयर नहीं कर पाई थी, आज मैं दिखा रही हूँ। मेरी बहन मेरे घर आई हुई थी मुझे हेल्प करने के लिए, तो उसने वो वैसे मिठाई बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो उसने ही जो भी बनाया उसी ने बनाया। तो देखिए यहाँ पर ये शेल्स बना रही है ना, शुगर शेल्स, उसकी तैयारी चल रही है और ये बहुत टेस्टी होती है और ये वैसे कई महीनों तक ना बहुत अच्छे से रह जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होती है, 6 से 8 महीने तक बहुत अच्छी तरह से रहती है, ख़राब नहीं होती। बाहर भी आप एयरटाइट बॉटल में रख दीजिए, बहुत आराम से रह जाती है। तो हमने थोड़े से शुगर सेल्स बनाए थे। देखिए इसमें जो शुगर का कोटिंग जो है कितनी बढ़िया से बहुत अच्छी तरह से चढ़ गया है। तो तैयार है हमारे, और मैं यहाँ पर फ़िश पिकल की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमारे बेटा जी आए हुए हैं, उनको ले जाने के लिए मैं कुछ फ़िश पिकल्स बना रही हूँ। इन सभी चीज़ों की रेसिपी ना मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी है, आप चाहो तो मेरे चैनल में देख सकते हो। तो देखिए जल्दी जल्दी से फ़िश पिकल भी तैयार हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी तरह से ना 3 महीने तक बहुत अच्छी तरह से आप बॉटल में रख करके बाहर ही रखो तो बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। इस बीच हमारे डेली यूज़ की जो होती है ना करी फिश करी, वो भी तैयार हो रही हो चुकी है और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बन रहा है क्योंकि क्रिसमस की तैयारियाँ हैं तो बहुत सारी हैं। और ये रहे चिप्स, केला चिप्स, क्योंकि आजकल जो है ये जो बनाना होती है ना जिसको मलयाली केला बोलते हैं, आजकल अवेलेबल है, सीज़न चल रहा है अभी इसका, तो हमने घर पर ही कुछ बना लिए थे क्योंकि घर में जो चिप्स बनती है ना उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है दुकान वाले से। और ये आज सुबह की है, आज सुबह देखिए हम चर्च से आ गए थे लगभग रात के 1 बजे। घर आने के बाद सुबह मैंने जल्दी जल्दी उठा और मैंने देखिए ये हमारा जो गुड़ है ना, गुड़ और नारियल को मैंने मिक्स किया है और चावल के आटे को मैंने गूंद लिया है। अब इसे हम इसको अड़ा बोलते हैं, वैसे अड़ा मलयालम में तो एलेपम भी बोलते हैं, वैसे बहुत टेस्टी होती है। हर बार हम बनाते हैं कुछ कुट्टू या फिर अप्पम, दोसा, इडली वगैरह, तो मैंने सोचा इस बार ये बनाया जाए। बेटा जी भी बहुत पसंद करते हैं तो मैंने बेटे को ध्यान में रखकर ही बनाया उसके पसंद की चीज़। तो ऐसे हम इसमें नारियल और गुड़ को मिक्स करके डाल देते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, इस तरह से हम सबों से बना लेंगे। और देखिए सब तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको एक स्टीमर में डाल दिया है, ये देखिए इसमें अभी बन रहे हैं, तैयार है। अब बहुत टेस्टी होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, मज़े की बनती है बहुत। इसके अंदर का जो गुड़ और नारियल का जो टेक्सचर होता है ना, इस चावल की जो हम बनाते हैं ये एलेपम, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये रही आज की मेरी प्लम केक। तो आप सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।